खरना में जैसे हम लोग शाम को दिन भर तो निर्जल व्रत रखते हैं, कोई कुछ नहीं, शाम के टाइम रात में जो है चावल की खीर कुड़की बनाते हैं और रोटी सेकते हैं, घी लगाते हैं उसमें, और पहले छठ माता की पूजा करते हैं, सिंदूर दान करते हैं उनको, और सास्तिक बनाते हैं जिस घर में हमें पूजा करना है वहाँ पे सास्तिक और सिंदूर दान करते हैं, चूल की पूजा करते हैं, उसके बाद गऊ के लिए, कन्या के लिए और जो है अपने परिवार में बच्चों के लिए सबका खाना निकाल देते हैं, गऊ को गऊ का पहुँचा देते हैं। फिर हम लोग रात में वही मीठा चावल और रोटी और केले के पत्ते पे रख के जो है शाम को खाना खाते हैं, जब तक खाते हैं जब किसी की आवाज़ कान में ना पड़े, अगर आवाज़ कान में आ गई तो हमको खाना छोड़ देना होता है उस टाइम। अच्छा, कैसी भी आवाज़? कैसी भी आवाज़ नहीं, मेनली है किसी के बात बात करने की आवाज़ है। अच्छा, नहीं आनी चाहिए, और दरवाज़ा बंद करके और हम लोग चुपचाप खाना खाते हैं। अच्छा, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना। अच्छा, और ये इसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है? इसके बाद फिर मेरा वो जो है छठ वाला व्रत शुरू हो जाता है, फिर निर्जला व्रत सप्तमी सूरज जो है अस्त होने में, राइजिंग सन को पहले शाम को छठ को अर्घ देंगे अस्त सूरज को, और उसके बाद सुबह फिर सप्तमी का उगते सूरज को अर्घ देके फिर अर्घ के पानी से अपना व्रत तोड़ते हैं, उसको ग्लास में ले लेते हैं और अर्घ दूध का पानी जो होता है उससे हम व्रत खोलते हैं अपना, और चना होता है, चना लेके फिर जो है व्रत खोलते हैं सप्तमी को, फिर ये हमारा 36 घंटे का व्रत होता है। ओके ओके मैम, आपका नाम क्या है मैम? रीना त्रिपाठी। ठीक, घर पे घी बनाते हैं तो उसको छठ के पहले ही 2-3 दिन पहले ही बना के रख लेते हैं, आपको जो भी बाजार में अच्छा फल दिखेगा, बढ़िया बढ़िया फूल है, ये सब हम लोग लेके आते हैं, फल ले आते हैं, घी ले आएंगे, गुड़ ले आएंगे, बहुत आस्था विश्वास है हम लोग। अच्छा, इसमें श्रद्धा का एक विषय भी आता है जी, तो श्रद्धा का विषय छठ में कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मुझे तो इस व्रत में बहुत श्रद्धा है, मैं करीब 10-12 साल से मैं व्रत नहीं करती हूँ लेकिन मैं इस पूजा में सम्मिलित होती हूँ और मेरी बहुत आस्था है, और मैं अपनी तरफ से मैं भी फल फूल जो भी मार्केट में जो भी कुछ अवेलेबल होता है मैं ले आती हूँ, चढ़ाती हूँ, और पूजा की हर रस्म में शामिल होने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं प्रज्ञा दुबे। अच्छा, आपका नाम क्या है? माधवी सिंह।